हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट। हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्वेटर के शोल्डर्स कैसे बंद करते हैं, कैसे मिलाते हैं टेपेस्ट्री निडल से, सुई से। ज़्यादातर लेडीज़ जब स्वेटर बनाती हैं तो पहले बाइंड ऑफ कर देती हैं शोल्डर्स को, उसके बाद उनको सी देती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं स्वेटर के जो शोल्डर्स होते हैं उनको मिलाने की, सीने की। तो जो ये वाली टेक्निक है जिसे हम किचनरी टेक्निक कहते हैं, ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा ये कि आपको बंद नहीं करना होता शोल्डर्स को, आप यहीं पे मिला सकते हैं सुई से। और दूसरा कि ये बहुत नीट होता है, आपको ये नहीं लगता कि आपने यहाँ से शोल्डर्स सिए हुए हैं, आपको ये फील होता है कि आपने सीधे सीधे यहाँ से बुनाई की हुई है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। किचनरी स्टिच जो है, टेक्निक जो है, वो डिफ़िकल्ट लगती है काफ़ी लोगों को, डेफिनेटली मुझे भी लगती थी। बट ये है कि अगर आप काफ़ी दफ़ा करेंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी। दूसरी बात ये कि मैंने किचनरी स्टिच जो है, टेक्निक है, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों से करके देखिए इसकी प्रैक्टिस। और जो सबसे ज़्यादा मुझे इजी तरीका लगता है वो ये है किचनरी स्टिच में, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने ना किचनरी स्टिच यूज़ किया हुआ है, ग्राफ्टिंग की हुई है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही आसान है, और ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटा सा पीस बना लिया है स्वेटर का, फ्रंट एंड बैक का, ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमने सबसे पहले यहाँ पे दोनों जो हमारे बैक और फ्रंट का पार्ट है उसको सीधा सीधा रख लेना है, फ्रंट राइट साइड से जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने जो यहाँ पे अगर धागा बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास बैक का हो या फ्रंट का हो, नो मैटर, आप वो सुई में डाल लें, या अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने घरों को बिल्कुल यहाँ पे लेकर आना है पास। अब हमने सबसे पहले ये जो सुई है, हम फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके पहले घर में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इसे खींच लें ताकि लूज ना हो, बट ज़्यादा आपने नहीं खींचना, टाइट नहीं करना। अब हमने बैक पार्ट जो है हमारा, वहाँ से दो घरों को इस तरह से लेना है और सिलाई से उतार देना है। सिलाई से आप उतार लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन से घरों को सी लिया है। अब हमने जो घर ये पहला वाला उतारा था उसी के ही फ्रंट बैक साइड से निडल इंसर्ट करनी है, और जो हमारा दूसरा घर है फ्रंट पार्ट का, उसमें से इस तरह सीधे सीधे सिलाई सुई डाल लेनी है और ये घर भी उतार लेना है, और इसे खींच लें सुई को। सुई को खींचने के बाद आप फिर से वापस हम उसी घर में सुई इंसर्ट करेंगे जो कि हमने पहले उतारे हुए हैं, वो भी बैक साइड से। आप देख रहे हैं बैक साइड से हमने सुई इंटर करनी है, और फिर यहाँ से एक और घर लेना है, उसमें से हमने सुई इंसर्ट करने ली है, डाल लेनी है, और वो भी घर सिलाई से उतार लेना है। अब फिर से हमने जो फ्रंट पार्ट था हमारा, वहाँ से जो हमने घर उतारा हुआ है उसकी बैक साइड से हम वो घर लेंगे और यहाँ से एक और घर उतार लेंगे, और फिर आप खींच लें धागे को। आप देख सकते होंगे, इसे थोड़ा खींच लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसका शेप कैसे आता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे हमने बुनाई की हुई है, सिया नहीं है ऐसे। इसी तरह अब हमने फिर से, आप चाहें तो थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल ना हो तो सिलाई को पीछे निकाल लें, इससे
मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई हुई है, आपकी नहीं हुई है, आप कोशिश करके ना कीजिएगा ऐसा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने जो घर उधर से उतारा था ये वाला, यहाँ से हमने बैक से वो फिर से घर लेना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे फिर हमने दूसरा घर यहाँ से ले लेना है और ये नेडल इसमें इंसर्ट करनी है और खींच लेनी है। फिर से हमने वही करना है, यहाँ से जो हमने घर उतारा हुआ था उसकी बैक साइड से हम नेडल इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम दूसरे घर में डाल लेंगे। आपने फिर से यहाँ से फिर से वही करना है, आप बैक साइड से ये घर लेंगे और यहाँ से दूसरा घर लेंगे और सिलाई से उतार लेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी सी, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा ये। मुझे भी शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। आप ये देखें, फिर से हमने यहाँ से बैक साइड से निडल इंसर्ट की है जो घर हमने उतारा हुआ था, और दूसरा घर यहाँ से ले लिया। शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये टेक्निक समझने की, बट इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए कोशिश की करके इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर से हमने यहाँ से घर लिया और इंसर्ट की नीडल और यहाँ से घर ले लिया। आप आखिर में भी इसे खींच सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ये जो आपके लूज यहाँ पे आ रहे हैं धागा आपका। फिर से आपने यहाँ से बैक साइड से ये जो घर उतारा हुआ है नीडल इंसर्ट की और यहाँ से घर उतार लिया। आप इसे खींच लें थोड़ा सा। आपने फिर से यहाँ से ये जो घर उतारा हुआ है उसकी बैक साइड से आप निडल इंसर्ट करेंगे, डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। हम इसे थोड़ा सा खींच लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा टाइटली ना खींचेगा। हम यहाँ पे वही फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ पे जो हमने घर उतारा था उसको हम लेंगे और यहाँ से घर उतार लेंगे सीधा सीधा। फिर से यहाँ से हमने बैक साइड से इंसर्ट करनी है निडल हमारी और यहाँ से घर ले लेना है, खींच लें से। फिर से यहाँ से आपने जो घर उतारा हुआ है यहाँ से बैक साइड से लिया और यहाँ से आपने घर उतार लिया। एक सेकेंड, सॉरी जी, अब इसे खींच लें। फिर से हमने वही रिपीट करना है, यहाँ से बैक साइड से हम इस घर में निडल इंसर्ट करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। शुरू आपने हमेशा वही से करना है जो घर हमने उतारा हुआ है, जो उतारा हुआ है घर आपने वहाँ से बैक साइड से आप नेडल इंसर्ट करेंगे और दूसरा घर यहाँ से ले लेंगे। फिर से आप यहाँ से बैक साइड से जो घर उतारा हुआ है वो वहाँ से नेडल इंसर्ट करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे घरों को बंद करना है जितने भी हमने शोल्डर पे घर छोड़े हुए थे। इसको थोड़ा सा खींच लें। फिर से यहाँ से आपने घर में इंसर्ट करना है बैक साइड से एंड बुन लेना है। फिर से यहाँ से हमने लेना है और यहाँ से सीधा सीधा इस घर को ले लेना है। आपके लिए आसानी होगी कि अगर आप किसी जगह पे टेबल पे या कहीं पे बेड पे या कहीं पे भी रख के इस तरह से अगर इसकी बुनाई करें कि, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आपके घर ना लूज़ हो जाएं और आपको फिर समझ में नहीं आएगा, जो कि मुझे होती थी पहले ये प्रॉब्लम।
बट अब के मैंने जैसे कि बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है और बहुत दफ़ा ये मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है, तो जाहिर बात है अब आसान हो गया है। अब हमारा जो आखिरी घर बचा है उसी तरह हमने यहाँ से घर लेना है बैक साइड से और इसको सीधा सीधा उतार लेना है। ये सारे घर हमने इसी तरह बंद कर दिए हैं। हम आप धागे को खींच लेंगे, आप देख सकते हैं कि इसका शेप इस तरह से आ रहा है जैसे कि बिल्कुल हमने बुनाई की है। ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है और इनफैक्ट इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप कोई भी चीज़ कोई भी स्वेटर बना रहे हो और उसके शोल्डर इस तरह मिलाते हैं तो आपको फिनिशिंग अच्छी मिलती है प्रोफेशनली। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे हम बाइंड ऑफ करने के बाद स्वेटर सीते हैं तो यहाँ पे उभरा हुआ आता है बिल्कुल जैसे ना लगता है आपको शोल्डर पे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन आ रहा है। जब हम बंद करने के बाद बाइंड ऑफ करने के बाद अगर हम इसको सीते हैं तो यूं हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे आपने बुनाई की हो, आपने मिलाया ना हो। इसी तरह ही आप इसको वेव इन कर लेंगे और इन घरों को भी इसी तरह आपने धागा ले लेना है और मिला लेना है। इसी तरह आपके स्वेटर के जो हैं वो शोल्डर्स आप मिला सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी टेक्निक अच्छे से उर्दू में समझा सकूँ। कोई बात आपको ना समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।